गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज सतीश कुमार एंड इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर रेस्पिरेशन ऑफ क्लास 7th स्टैंडर्ड. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सजेस्ट टू वेज हाउ रेस्पिरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम फोटोसिंथेसिस. मतलब बेसिकली आपको बताना है कि रेस्पिरेशन में और फोटोसिंथेसिस में क्या डिफरेंस होता है. सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन दिस स्लाइड. In respiration, oxygen is taken in and carbon dioxide is released, while in photosynthesis, carbon dioxide is taken in and oxygen is released. मतलब respiration में तो हम oxygen absorb करते हैं और carbon dioxide release करते हैं, but photosynthesis में carbon dioxide absorb होती है और oxygen release होता है. Second difference is, जो photosynthesis होता है उसको light की requirement होती है, sunlight की, ठीक है, बट रेस्पिरेशन को एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड राइट डाउन इक्वेशन फॉर द प्रोसेस. एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है और इसके इक्वेशन क्या होती है, वर्ड इक्वेशन आपको बतानी है. तो एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है उसे हम क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. मतलब जैसा हमने रेस्पिरेशन के टाइप्स पढ़े थे उसमें दो टाइप्स थे, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. इसमें रेस्पिरेशन पूरी तरह से नहीं हो पाता और जो ग्लूकोज होता है वो पार्शली ब्रेक डाउन होता है, मतलब उसका कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है. तो यहाँ पे इसकी वर्ड इक्वेशन दी हुई है, जैसे ग्लूकोज जो है वो टूटता है इथाइल एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और दो मॉलिक्यूल्स एनर्जी के. मतलब जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन में वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है एज कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन में. क्योंकि जब हमने एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था तो उसके अंदर जो एनर्जी हमारे पास प्रोड्यूस हो रही थी वो 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP थी. तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन सा होता है स्टूडेंट्स, वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, ठीक है. और इसको बेसिकली यूज़ किया जाता है फर्मेंटेशन वाले प्रोसेसेस में जिससे अल्कोहल बनती है, ठीक है ना, उन प्रोसेसेस में. नाउ विल बी मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3. व्हाई सडन एक्सरसाइज लीड्स टू मस्कुलर क्रैम्प्स. मतलब अगर हम अचानक से बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमें मस्कुलर क्रैम्प्स क्यों हो जाते हैं, मतलब हमारे हाथों पैरों की जो मसल्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पेन क्यों हो जाता है एकदम से. ये होता है ऑब्वियसली व्हेन यू स्टार्टेड रनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. जब आप रनिंग करते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक या आप उसके हैबिचुअल नहीं होते हैं और अचानक से एकदम से आप ये स्टार्ट कर देते हैं तो हमारे मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं. और इनका रीज़न क्या होता है, जो मसल क्रैम्प्स होते हैं, दिस इज़ बिकॉज द मसल सेल्स रेस्पायर एनारोबिकली फॉर अ शॉर्ट टाइम. मतलब हमारी मसल्स जो हैं वो रेस्पिरेशन करती हैं एनारोबिक तरीके से. व्हाई, बिकॉज द डिमांड ऑफ एनर्जी इज हाई बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी इज लेस. क्योंकि जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारी जो बॉडी की एनर्जी की डिमांड है वो तो बढ़ जाएगी, बट जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो तो लिमिटेड ही रहती है. जितना हम ब्रीदिन कर सकते हैं उतना ही ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाएगा, तो हमारी मसल्स के पास एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है. एंड उसी की वजह से ग्लूकोज जो होता है वो पार्शली ब्रेक डाउन होता है और उसके पार्शल ब्रेक डाउन की वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है जो मसल क्रैम्प का रीज़न बनता है बाद में जाके, ठीक है. तो मसल क्रैम्प्स क्यों होते हैं, क्योंकि हम सडन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और हमारी मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होने की वजह से लैक्टिक एसिड वहाँ प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से हमें मसल क्रैम्प्स होते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज फर्मेंटेशन. अब आपको बताना है कि फर्मेंटेशन क्या होता है. जस्ट मैंने आपको अभी बताया था कि फर्मेंटेशन एक एप्लीकेशन है या एक यूज़ है एनारोबिक रेस्पिरेशन का जिससे अल्कोहल वगैरह बनाई जाती है. तो अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे. फर्मेंटेशन क्या होता है, द प्रोसेस वेयर बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट एंड बैक्टीरिया रेस्पायर एनारोबिकली टू प्रोड्यूस अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. वो प्रोसेस जिसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे ईस्ट और बैक्टीरिया रेस्पिरेशन करते हैं एनारोबिकली. एनारोबिकली मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस अल्कोहल. किस चीज़ के प्रोडक्शन के लिए, अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम फूड.
अब वो फूड कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे बेसिकली जो अल्कोहल बनती है वो ग्रेप्स से बनती है, तो जो ग्रेप्स होते हैं उनके अंदर बैक्टीरियाज और जो ईस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, एनारोबिकली रेस्पिरेशन करते हैं, और इनके एनारोबिकली रेस्पिरेशन करने की वजह से जो इनके अंदर ग्लूकोज होता है वो पार्शली ब्रेक डाउन हो जाता है और उसकी अल्कोहल बन जाती है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज नेसल चैम्बर हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। जो नेसल चैम्बर होता है वो ब्रीदिंग में हमारी किस टाइप से हेल्प करता है, तो स्टूडेंट्स बात करते हैं इसके बारे में। हमारा जो नेसल चैम्बर होता है मतलब जो नोज वाला पार्ट होता है, हैज़ अ बॉर्डर ऑफ हेयर्स विच ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स इन द एयर। जो नेसल चैम्बर होता है उसके अंदर एक बॉर्डर होता है हेयर्स का जो डस्ट पार्टिकल्स को और जर्म्स को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है और उन्हें फिल्टर करके एयर को हमारे लंग्स तक एयर को पहुँचाता है। एंड इट ऑल्सो हैज़ रिचली सप्लाइड ब्लड कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स होते हैं इसके अंदर, जिनके अंदर ब्लड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड दैट वार्म द इनकमिंग एयर, जिसकी वजह से जो इनकमिंग एयर है वो गर्म हो जाती है। एंड द स्टिकी म्यूकस लीनिंग ऑफ द चैम्बर मॉइस्टेंस द एयर एंड फिल्टर डस्ट पार्टिकल्स। और जब एयर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है तो हमारी जो नोज के अंदर म्यूकस होता है वो उसको मॉइस्टन कर देता है, मतलब उसको मॉइस्चर प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से वो ईजीली जाके उसके अंदर से ऑक्सीजन क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 6, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द ब्रीदिंग रेट डिपेंड। जो हमारी बॉडी का ब्रीदिंग रेट होता है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सो द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर्स सच एज इमोशनल और मेंटल स्टेट, फिजिकल एक्टिविटी एंड मेटाबॉलिक रेट। इट इज एडजस्टेड टू सूट द नीड्स ऑफ द बॉडी इन डिफरेंट सिचुएशंस। जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होता है वो डिपेंड करता है इमोशनल और मेंटल स्टेट पे, मतलब हमारी जो हम उस किस पर्टिकुलर स्टेट में हैं, हम खुश हैं या हम बहुत दुखी हैं, ठीक है, या फिर हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे अगर हम रनिंग कर रहे हैं तो हमारा जो ब्रीदिंग रेट होगा वो क्या होगा, हायर होगा, और अगर हम रेस्ट पे हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट क्या होगा, उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है। और मेटाबॉलिक रेट पे भी डिपेंड करता है, मेटाबॉलिक रेट मतलब हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी जो डाइजेशन वगैरह या और दूसरी एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो उनकी कैपेसिटी कितनी है या उनके वो किस स्पीड से हो रही हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और ये डिपेंड करता है और बेसिकली ये एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाता है बॉडी के अंदर जो सूट करे हमारे रिक्वायरमेंट्स को, मतलब अगर हम जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं नॉर्मली बैठ के तो ब्रीदिंग रेट आपका क्या होगा, कम होगा, ईजिली यू विल बी जस्ट स्टडिंग एंड नॉट मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड बाय योर बॉडी। बट अगर आप गेम्स खेल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि हमें उस टाइम पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। देन नेक्स्ट कम्स द क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन लंग्स इन 3-4 सेंटेंसेस। आपको लंग्स का स्ट्रक्चर समझाना है सिर्फ 3-4 सेंटेंसेस में। तो लंग्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, लंग्स आर अ पेयर ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स दैट आर स्पॉन्जी बैग लाइक स्ट्रक्चर्स। ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं और ये स्पॉन्जी बैग लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है। दे आर लाइंग इन द चेस्ट कैविटी ऑन ईदर साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है, ये हमारी चेस्ट के अंदर होते हैं दोनों साइड में। द लेफ्ट लंग इज 2-लोब्ड ऑन एंड द स्लाइटली स्मॉलर देन द राइट लंग विच इज 3-लोब्ड। हमारा जो लेफ्ट लंग होता है वो छोटा होता है राइट वाले से और इसके अंदर 2 लोब्स होती हैं, और जो राइट वाला होता है उसके अंदर 3 लोब्स होती हैं। एंड लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज, और जो हमारे लंग्स हैं इनको जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम होता है वो किसका होता है, रिब केज का होता है। जो पसलियाँ होती हैं हमारी चेस्ट के सामने जो बोनी स्ट्रक्चर होता है उसे रिब केज कहते हैं, वो क्या करता है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई आर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज गुड फॉर हेल्थ। जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती हैं जैसे योगा होता है जिसमें हम लंबी लंबी सांसें अंदर लेते हैं और फिर छोड़ते हैं, तो वो हमारी हेल्थ के लिए कैसे अच्छी हैं, तो इसका रीज़न यहाँ पे गिवन है स्टूडेंट्स, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हेल्प टू इम्प्रूव आर लंग कैपेसिटी विच इज़ वेरी गुड फॉर आर हेल्थ। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज से हमारे जो लंग्स हैं उनकी एयर को रिटेन करने की कैपेसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से हमारी हेल्थ क्या होती है, बहुत अच्छी हो जाती है। ओके, सो स्टूडेंट्स दीज आर ऑल द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम रेस्पिरेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग सो फार।